कछुआ मोबाइल चालू करने की कोशिश करते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या हुआ, चालू ही नहीं हो रहा। बस के अंदर तो बढ़िया चल रहा था, पर अब पता नहीं क्या हुआ। कायर कछुए के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहता है, ला दिखा मुझे, मैं देखता हूँ। इतना कहकर कायर कछुए के हाथ से मोबाइल ले लेता है और उसे चालू करने की कोशिश करने लग जाता है। कायर बार बार स्विच ऑन का बटन दबा रहा था, पर मोबाइल चालू नहीं हो रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक दिख रही थी। कायर कछुए पर गुस्सा होते हुए कहता है, लगता है बैटरी चली गई। मैंने कहा था ना तुझे बस के अंदर मोबाइल मत चला, ये उसी का नतीजा है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कछुआ अपना बचाव करते हुए कहता है, अरे तू मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहा है, मुझे क्या पता था बैटरी इतनी जल्दी चली जाएगी। कायर झट से कहता है, तुझे क्या पता था बैटरी चली जाएगी का क्या मतलब, कॉमन सेंस की बात है ना, मोबाइल यूज करेगा तो बैटरी जाएगी ही ना। कछुआ उदास होते हुए कहता है, यार तू ना हर बार मुझे ही ब्लेम करते रहता है, कुछ भी होता है तो जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। तू काम ही ऐसा करता है, किसी दिन ना तू खूब पिटेगा मेरे हाथों से। क्या कहा तूने, मैं पिटूंगा, तुझे नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे तू। वर्चस्विनी कायर और कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहती है, चुप करो तुम दोनों, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने, ये पुलिस स्टेशन है, कोई अखाड़ा नहीं जो यहाँ पर झगड़ रहे हो। कछुआ बड़े ही प्यार से वर्चस्विनी से कहता है, वो वर्चू जी, मेरा मतलब वर्चस्विनी जी, हम ना आपको वीडियो दिखाने वाले थे, पर क्या है ना हम लोगों की किस्मत बहुत खराब है, किस्मत हमारा साथ ही नहीं देती है। देखिए ना, आपको वीडियो दिखाने वाले थे पर ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, क्या कहा, वीडियो दिखाने वाले थे, कैसा वीडियो। कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कायर कहता है, हमारी बेगुनाही का वीडियो वर्चस्विनी जी, उसके अंदर ना एक लड़की है जो एक अजीब सी पूजा कर रही है। वीडियो के बारे में मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जब आप वो देखेंगी ना तो खुद सब समझ जाएंगी। कछुआ शर्माते हुए वर्चस्विनी से कहता है, आपके पास चार्जर मिलेगा क्या, अभी मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो झट से चालू हो जाएगा। चार्ली बीच में ही बोल पड़ता है, ये तूने क्या पुलिस स्टेशन को चार्जिंग पॉइंट समझ कर रखा हुआ है, जो चार्जर मांग रहा है, नहीं है यहाँ पर चार्जर, चलो निकलो यहाँ से। चार्ली मुंगोड़े खाते हुए कहता है, आ जाते हैं टाइम वेस्ट करने, हमें और भी बहुत जरूरी काम है। कायर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, पर चार्ली जी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, मोबाइल का चालू होना बहुत जरूरी है, इसके अंदर हमारी बेगुनाही का सबूत है। यदि आप दोनों ने ये वीडियो एक बार देख लिया तो आप दोनों समझ जाएंगे कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। चार्ली कहता है, ये तुम नौजवान लड़कों के ना बहाने में अच्छे से समझता हूँ, अपना काम निकालने के लिए तुम लोग कुछ भी बोलते हो, रास्ते से जा रहे होगे तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, वही चार्ज करने यहाँ आ गए। तुम लोगों की हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है आजकल, लगता है हवालात की हवा फिर से खिलानी पड़ेगी तुम दोनों को, उस दिन की कम हो गई थी। कायर चार्ली को समझाते हुए कहता है, चार्ली जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको क्या हम दोनों ऐसे ऐसे लड़के दिखते हैं, हम दोनों बहुत शरीफ हैं। चार्ली कछुए को देखते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, शराफत तो तुम दोनों की दिख रही है चेहरे से। कछुआ इस वक्त भी एकटक नजर से वर्चस्विनी को ताके जा रहा था। कायर चार्ली को समझाते हुए कहता है, चार्ली जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मोबाइल के अंदर एक बहुत जरूरी सबूत रखा हुआ है, इसलिए उसका चार्ज होना जरूरी है। चार्ली गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या। इतना कहकर चार्ली कायर और कछुए को अपने हाथों से वहां से हटाने लग जाता है। वर्चस्विनी के मन में यही चल रहा था कि आखिर ये कछुआ और कायर किस वीडियो की बात कर रहे हैं, क्या है उस वीडियो में जिससे अपनी बेगुनाही का सबूत बता रहे हैं, ये वीडियो मुझे देखना चाहिए, हो सकता है कुछ काम की चीज हाथ लग जाए। वर्चस्विनी चार्ली को रोकते हुए कहती है, रुको चार्ली दो मिनट जरा, जाटव जाओ और जाकर गाड़ी में से मेरा चार्जर लेकर आओ, गाड़ी में ही लगा होगा। चार्ली वर्चस्विनी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे मैडम जी आप कहां इन लड़कों की बातों में आ रही हैं। चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी अपने हाथ से इशारा कर देती है और चार्ली चुप हो जाता है। जाटव ऑर्डर का पालन करते हुए कहता है, जी मैडम अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर जाटव वहां से चला जाता है। कछुआ वर्चस्विनी को देखते हुए कहता है, वर्चस्विनी जी आपके पास सी टाइप चार्जर ही है ना, वो क्या है ना मेरे मोबाइल में वही लगता है। वर्चस्विनी रूखेपन से कहती है, हाँ वही है, लग जाएगा तुम्हारे मोबाइल में। कछुआ शर्माते हुए कहता है, आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है, कितनी अच्छी बात है ना कि हम दोनों के मोबाइल के चार्जर सी टाइप है। कायर मन ही मन सोचने लगता है कि कछुआ फिर शुरू हो गया, शुरू कर दी इसने अपनी उठपटांग हरकतें।
जाटव गाड़ी में से चार्जर लाकर कछुए को दे देता है। वो चारों पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। चार्जिंग पॉइंट पर कछुआ अपना मोबाइल चार्ज पर लगा देता है और वहीं पर खड़े हो जाता है। कायर वर्चस्विनी और चार्ली के साथ टेबल के पास खड़ा हुआ था। वर्चस्विनी कायर से पूछती है, वैसे इस मोबाइल के अंदर ऐसा है क्या जिसे दिखाने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो? कोई काम की चीज तो है ना इसके अंदर? कायर झट से कहता है, मैडम जी काम की नहीं बल्कि बहुत काम की चीज है। इसके अंदर सबूत है हमारी बेगुनाही के सबूत। एक बार आप वो वीडियो देख लेंगी तो सब समझ जाएंगी। आप जो हम पर शक कर रही है ना कि मोहित का खून हमने किया है, ये शक करना बंद कर देंगी बल्कि आपको यकीन हो जाएगा कि मोहित का खून और किसी ने नहीं यक्षिणी ने किया है। वर्चस्विनी चढ़ते हुए कहती है, तुम फिर शुरू हो गए, मैंने कहा था ना ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं है। कायर वर्चस्विनी की बात को काटते हुए कहता है, मैडम जी आप बस एक बार ये वीडियो देख लेना, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि यक्षिणी है या नहीं। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर इसके हाथ में ऐसा क्या लग गया जिसे देखकर मैडम को यक्षिणी है इस बात पर विश्वास हो जाएगा। कायर वर्चस्विनी से बात कर ही रहा था कि तभी चार्जिंग स्विच बोर्ड के पास खड़ा कछुआ कायर को पुकारते हुए कहता है, अरे कायर हो गया मोबाइल चालू। कछुए की बात सुनकर कायर खुश हो जाता है और झट से कछुए के पास जाते हुए कहता है, तो खड़ा क्या है, जल्दी चालू कर वीडियो और दिखा मैडम जी को। हाँ अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर कछुआ वीडियो प्ले करने लग जाता है। कछुआ गैलरी ओपन करता है, वीडियो निकालता है। वो वीडियो प्ले ही करने वाला था कि देखते ही देखते मोबाइल की स्क्रीन पर लाइनिंग दिखने लग जाती है और वो मोबाइल अचानक से बंद हो जाता है। कछुआ मोबाइल को वापस से ऑन करते हुए कहता है, अरे तेरी ये क्या हो गया, ये मोबाइल चालू क्यों नहीं हो रहा, अभी तो चालू हुआ था। कायर कछुए के पास पहुंच जाता है और हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, अब क्या हो गया कछुए? पता नहीं यार ये मोबाइल को क्या हुआ, अभी चालू हुआ था फिर एकदम से बंद हो गया। कायर कछुए के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहता है, तुझसे ना एक काम ढंग से नहीं होता है, ला दिखा मोबाइल मुझे। कायर फिर से मोबाइल ऑन करने की कोशिश करता है पर मोबाइल ऑन नहीं होता है। वो मोबाइल का चार्जिंग केबल एक दो बार निकाल कर लगा कर देखता है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कायर परेशान होते हुए कहता है, अरे इसमें तो अब चार्जिंग भी नहीं हो रही है, ये क्या हो गया मोबाइल को, कहीं मोबाइल खराब तो नहीं हो गया? कछुआ हिचकिचाते हुए कहता है, यार कहीं पानी लगने के कारण मोबाइल खराब तो नहीं हो गया? कायर कछुआ पर गुस्सा होते हुए कहता है, और भीगले पानी में, बोला था जेब में रख ले मोबाइल, बारिश हो रही है, पर तू मेरी बात सुनता कहाँ है, अब हो गया ना मोबाइल खराब? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही वर्चस्विनी गर्म अंगारों की तरह गुस्से से बोलती है, ये तुम दोनों ने क्या नाटक लगा कर रखा है, कभी कहते हो बैटरी गई है, कभी कहते हो मोबाइल खराब हो गया, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम दोनों को पुलिस वालों का टाइम वेस्ट करने के चक्कर में हवालात में डाल दूं, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। कायर धीरे से कहता है, पर मैडम जी मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कहता हूँ इस मोबाइल में यक्षिणी के खिलाफ सबूत था, आप इसे देखकर समझ जाती कि मोहित का खून हमने नहीं यक्षिणी ने किया है। वर्चस्विनी गुस्से से कायर को घूरते हुए कहती है, मोहित का खून तुम दोनों ने किया है या यक्षिणी ने, उसका पता मैं लगा लूंगी, समझे तुम दोनों, मुझे तुम लोगों की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। कायर समझ जाता है कि वर्चस्विनी से अब कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, वरना लेने के देने पड़ सकते थे। कायर और कछुए को वहीं पर खड़ा देखकर चार्ली कहता है, अरे तुम दोनों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती क्या, मैडम ने कहा ना निकलो यहां से, तो जाते हो या डंडे मारकर भगाओ? कछुआ और कायर पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। कछुआ अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अब क्या करें यार ये मोबाइल तो खराब हो गया। कायर चढ़ते हुए कहता है, और नाचले हाथ में मोबाइल लेकर बारिश में, बोला था ना जेब में रख ले, पर तू मेरी सुनता कहाँ है? कछुआ रूखा हुआ मुंह बनाकर कहता है, यार अब तू फिर मत शुरू हो जाना, ये बता अब क्या करना है? करना क्या है का क्या मतलब, अब मोबाइल खराब हो गया है तो सुधरवाना तो पड़ेगा ही ना, आखिर इसमें हमारी बेगुनाही के सबूत है और वो वर्चस्विनी जी को दिखाना बहुत जरूरी है। कछुआ फुसफुसाते हुए कहता है, इसका मतलब मुझे मेरी वर्चू जी से मिलने का एक और मौका मिलेगा? कायर फटाक से बोलता है, क्या बोला तूने? कछुआ हड़बड़ाते हुए कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, चल फिर मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर, यहीं पास में ही है, मैंने देखा है। हाँ चल। कायर और कछुआ मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर जाने लग जाते हैं। इस तरफ गुवाहाटी में युग और अभिमन्यु को फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस के पब्लिशर का घर मिल गया था और वो उसके घर के सामने खड़े हुए थे। घर की हालत काफी खस्ता थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि अगर तेज बारिश होगी तो पानी में बह जाएगा। घर बड़ा तो था पर एक जर्जर इमारत थी। दीवारों पर लगा पेंट उखड़ चुका था जिसमें फफूंद लगी हुई थी।
युग दरवाजे पर लगी नेम प्लेट को पढ़ते हुए कहता है, जगदीश माथुर, यही नाम बताया था ना उस बूढ़े ने। अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ यार यही नाम बताया था। अभिमन्यु नेम प्लेट पर उंगली रखते हुए कहता है, ये देख नाम के नीचे लिखा भी तो हुआ है प्रकाशक, हो ना हो यही फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस का पब्लिशर होगा। युग उबते हुए कहता है, यही होना चाहिए यार। इतना कहकर युग नेम प्लेट के ऊपर लगी दरवाजे की घंटी को बजा देता है, पर घंटी बजने की आवाज सुनाई नहीं देती है। युग दो तीन बार घंटी बजाता है पर घंटी नहीं बजती है। युग अभिमन्यु से कहता है, लगता है ये घंटी भी खराब है हमारी किस्मत की तरह, दरवाजा खटखटाकर देखता हूँ। इतना कहकर युग अपने हाथों से दरवाजा खटखटाने लग जाता है पर कोई जवाब नहीं आता है। युग चार पांच बार दरवाजा खटखटाता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। युग अभिमन्यु से पूछता है, यार इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं पर कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, घर में कोई है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं घर खाली हो और हम पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहे हो। अभिमन्यु युग की बात से डिसएग्री होते हुए कहता है, यार ये तू कैसी बातें कर रहा है, घर में अगर कोई ना होता तो ये दरवाजे पर ताला नहीं लगा होता क्या, देखना कैसे खुला हुआ है, कोई ना कोई तो अंदर जरूर होगा, हो सकता है अंदर टीवी चल रही हो जिसके कारण हमारे दरवाजा खटखटाने की आवाज अंदर नहीं जा पा रही हो, रुक मैं जोर से दरवाजा खटखटाकर देखता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाता है। अभिमन्यु की ताकत से वो दरवाजा अपनी जगह से हिल सा गया था। युग अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है, तू रहने दे भाई मैं खुद ही खटखटाता हूँ, दरवाजा खोलना है तोड़ना नहीं है। युग वापस से दरवाजा खटखटाता है पर इस बार भी हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आता। युग दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, कोई है, कोई है क्या अंदर, अरे कोई जवाब तो दो। हमेशा की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं आता है। वो दोनों करीब 20 मिनट से वहां पर खड़े हुए थे और आवाज लगा रहे थे पर अभी तक किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। युग उबते हुए कहता है, यार मैं ना बहुत थक गया हूँ, मुझसे और आवाज नहीं लगाई जा रही ना ही खड़े रहते बन रहा है। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार थक तो मैं भी गया हूँ, भूख भी लग रही है, इस पब्लिशर को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है, पर यह है कि दरवाजा ही नहीं खोल रहा। यार मुझे तो लग रहा है वो सो रहा होगा, तभी उसको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं फिर आते हैं इसके पास, हो सकता है तब तक उठ जाए। हाँ ये बढ़िया आइडिया है, पेट के अंदर कुछ जाएगा तो थोड़ी एनर्जी भी आएगी, वरना मेरी तो मरे हुए की तरह हालत हो रही है, क्या बताऊं चल। इतना कहकर अभिमन्यु और युग वहां से जाने लग जाते हैं। अभी उन दोनों ने अपना पहला ही कदम जाने के लिए बढ़ाया था कि तभी दरवाजा चरमराने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों झट से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर करीब 50-51 साल का आदमी खड़ा हुआ था, जिसने शॉल ओढ़ कर रखी हुई थी, छोटे सफेद बाल और चेहरे पर बिना फ्रेम का आयताकार चश्मा, कानों में सुनने की ब्लैक रंग की मशीन लगी हुई थी, जिसे देखकर युग और अभिमन्यु समझ गए थे कि क्यों इस आदमी को दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगा था। युग उस आदमी की तरफ उंगली करते हुए पूछता है, क्या आपका ही नाम जगदीश माथुर है? वो आदमी युग को देखते हुए कहता है, हाँ मेरा नाम ही जगदीश माथुर है। अभिमन्यु झट से अगला सवाल पूछता है, आप ही फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस के पब्लिशर मतलब मालिक है ना? सवाल तो अभिमन्यु ने पूछा था पर वो आदमी युग की तरफ देखते हुए जवाब देता है, मालिक हूं नहीं था, अब वो पब्लिकेशन हाउस बंद हो चुका है। युग और अभिमन्यु जगदीश माथुर से और कोई सा सवाल पूछते उससे पहले ही जगदीश माथुर युग को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा नाम युग है ना, तुम अनुराग लेखक साहब के बेटे हो ना? युग जगदीश का सवाल सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जगदीश माथुर को कैसे पता कि वो अनुराग का बेटा है, बल्कि युग तो उससे पहली बार मिल रहा था। सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।